वाला मेरा ना हर शर्ट मेकअप लुक है जो मैं ऑलरेडी कल शेयर कर चुकी हूँ और अभी मैंने थोड़ा सा ब्लॉग में डाल दिया। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। इस 30 पर मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। अच्छा बताओ, वो वाली ज्वेलरी अच्छी लग रही थी या ये वाली? स्टार्टिंग में मैंने ये वाली ज्वेलरी पहनी थी, फिर जब जाने लगी तो वो डाल ली, फिर हस्बैंड जी ने कहा फिर से गोल्ड वाली डाल लो, तो फिर से मैंने ये डाल ली। हम बहुत कन्फ्यूज थे उस दिन। तो चलो अभी अपना थोड़ा सा ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज है हर छठ, तो सबसे पहले तो आप लोगों को हर छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे घर में ना एकदम धुआं धुआं सा है, क्योंकि अभी जो है ना मैं क्या बोलती हूँ उसको, अरे नहीं, कंडी सुलगाई हुई हूँ, कंडी को जलाई हुई गैस पे, क्योंकि इसका हवन करना है। तो अभी लाइट भी मेरे कमरे में नहीं जली हुई है, जो भी लाइट है उससे मैं आपको मेकअप दिखा रही हूँ। जस्ट अभी मैंने मेकअप लुक निकाला है, फटाफट से इतनी जल्दी मैंने मेकअप किया क्योंकि 9 बजे तक ही मुहूर्त है और 9 बजे तक ही हमें पूजा करना है। इस वजह से तो हमने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर ले, और कुछ भी नहीं हो पाया है। जितनी जो भी मैंने इंतज़ाम किया ना वो कुछ मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा आपको आउटफिट दिखाती हूँ। ऑलरेडी मेकअप लुक आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ और ये ब्लॉग उसके बाद जाएगा, क्योंकि मेकअप लुक तो पहले है और लाइट इतनी डिम डिम सी है, धुआं धुआं सा है ना, तो वीडियो उतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा मैं आपको लाइट जला के एग्जैक्ट दिखाती हूँ कि अच्छे में कैसा दिखना है, तो आप लोगों को समझना है। ओह, अब देखो, अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा ना, मेकअप लाइट पड़ती है ना तभी समझ में आता है। और ये साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है? इसका ब्लाउज जो है ना अभी बन नहीं पाया है। ये बनारसी साड़ी है, इससे पहले मैंने बहुत बनारसी साड़ी ली है, बस उसको एक बार ही पहनी है। सेम सिचुएशन इसकी भी होने वाली है, तो मैं कैमरे में लगाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ अच्छे से। सो अभी आप देख सकते हो, हाँ अभी आप देखो फुल आउटफिट। और ये साड़ी इतनी अफोर्डेबल है आपको यकीन नहीं होगा। ये साड़ी मंदिर के पास ले, ये साड़ी मैंने मीशो से ली थी सिर्फ और सिर्फ 600 में। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी साड़ी मिलेगी। इसमें बहुत ज़्यादा शाइन है, बहुत बहुत सुंदर साड़ी है ये, जितनी तारीफ करो इसकी उतनी ही कम है। तो पर्सनली मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको बनारसी साड़ी, बहुत सुंदर साड़ी चाहिए बनारसी में, जो देखने में एक अलग ही लुक आए और ऐसे नहीं कि खड़खड़ खड़खड़ करेगी, अजीब सी आवाज़ करेगी, बहुत सुंदर है। और इसको मैं बहुत जल्दबाजी में पहनी हूँ तब भी ये बहुत अच्छे से बन गई है, क्योंकि बनारसी साड़ी और बहुत जल्दी पहनना इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता। और इसका पल्लू ग्रीन कलर का है, जिसको मैं सिलवाई नहीं हूँ, फिर निकल रहा है, इससे परेशान हो गई। सो कैसा लग रहा है? और ये बैंगल्स भी मेरे ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, ब्लाउज इसका नहीं है, दूसरे का इसका रिव्यू क्यों लड़ाई कर रहे हो? नहीं अब तो बस चलो, अब पूजा की तैयारी करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? तो गाइस, हमारी जो थाल है वो सज गई है और अब इसके बाद हमें चलना है पूजा करने। तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ये गट्टा जो होता है वो सारी चीज़ें हैं, चूड़ी है, बिंदी है, और ये जो होता है धान, सात धान, कितने धान में हुआ, सब कुछ लगता है। तो वो सब मैंने सजा लिया है मेरी थाल में, और अब हम चलते हैं पूजा करते हैं वहीं पर, क्योंकि यहाँ पर हमें करना नहीं है, वहीं पर चाची है बगल में, वो लगाई हुई हैं कुछ वगैरह, क्या बोलना है, तो वहीं पर चलेंगे। तो चलो, हफे से छूट रही है क्योंकि गर्मी से आज धूप निकल आई, रोज़ बारिश होती थी, आज सुबह से धूप निकली पड़ी है। तो वहीं चलते हैं और वहीं पर पूजा करते हैं। देखो, अगर वीडियो बन पाएगी तो शेयर करूंगी, अगर वीडियो नहीं बन पाएगी तो शायद नहीं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि देखो बाबू को भी देखना है और रिकॉर्डिंग भी करनी है, सब कुछ करना है ना। तो पॉसिबल हो पाएगा तो चीज़ें शेयर कर दूंगी, रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं हो पाएगा तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद घर में आकर हम अपनी माता रानी को दिया लगाएंगे, क्योंकि भाई उनकी भी पूजा ज़रूरी है ना। तो चलिए चलते हैं। तो सर पे पल्लू रख ले, देखते हैं रखते बनेगा कि नहीं, क्योंकि इस बनारसी वाला ना बहुत सरकता है। Thank you.
अरे वो नीचे रख दो ना दो। जय कर रहा जय जय कर लो अच्छा नहीं नहीं बाबू का देखना गिरे ना नहीं ज्यादा चढ़ाया जाता है क्या ठीक हवन कैसे करोगे तुम्हारा अच्छे तुम्हारे वाले में अच्छे से कर रहे हैं मेरे वाले में अच्छे है इधर ज्यादा नहीं कर रहे हैं ना इधर जय कर लो बाबू जय किससे करोगे किसमें करोगे किसमें यही रख देंगे ना कंडी हवन कहाँ है मैं आज चढ़ा के आई भूल गई थी अच्छा चप्पल उतार दिए सो गाइस अभी हम घर आ गए हैं और हमारी जो पूजा थी वो भी हो गई है और यहाँ भी हमने अपने मंदिर में भी दिया लगा लिया है अब हम सोच रहे हैं कि एक आध सात रील्स बना ले शायद क्योंकि अब मुझे प्यास लग रही है चेंज करने का मन कर रहा है तो मुझे लग रहा है रील्स बना लूँ और इस साड़ी की वीडियो भी शूट करवा लूँ दोनों चीज़ हो पाए पता नहीं कितने मिनट का जो भी ब्लॉग बना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी।
मेकअप बिल्कुल लाइट सा है, आपको समझ में आ रहा होगा। काजल वाजल इतनी जल्दी, क्योंकि 9 बजे तक का ये था कि मुहूर्त है, उसके बाद फिर आप पूजा नहीं कर सकते हो। तो बस मैं ये सिंदूर क्यों नहीं दिखाया, दिखा। तो चलिए थोड़ी सी वीडियो शूट करवा लेते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं ब्लॉग का एंड करने, क्योंकि बहुत थक चुके हैं। अभी रील्स नहीं बनवाया, देखो अभी याद है फ़ोटो क्लिक करवाने लगे, फ़ोटो नहीं क्लिक करवाएंगे, अब एक आध रील्स बनाएंगे, वरना वो भी नहीं, क्योंकि प्यास बहुत लग रही है। तो चलो इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने जो पहले वाली इयर रिंग्स और मंगलसूत्र पहना है, अगर उसमें थोड़ी बहुत वीडियो शूट हुई होगी तो वो भी शेयर कर दूँगी। तो आप लोग बताइएगा इस साड़ी के साथ कौन सी ज्वेलरी अच्छी लग रही है, वो वाली ज्वेलरी अच्छी लग रही थी कि ये वाली, है ना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।